अध्याय 14 जेंडर समानता और महिला अधिकार। जेंडर इक्वेलिटी किसी समाज की वह स्थिति है जिसमें संसाधनों एवं अवसरों की उपलब्धता की दृष्टि से स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में एजेंडा 2030 के अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों को रखा गया, जिसमें भारत सहित 193 देशों ने इसे स्वीकार कर लिया। इनमें लक्ष्यों में लैंगिक समानता को शामिल किया गया। आज जाहिर है कि हमारे समाज के लिए लैंगिक समानता कितनी जरूरी है। महिला व पुरुष समाज के मूलाधार हैं और समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वो नींव है। लैंगिक समानता के बीच में भेदभाव की यह सोच समझकर बनाई गई है, जिसमें समानता तक जाने का सफर बहुत मुश्किल भरा बन जाता है। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों, खासकर महिलाओं को समान महत्व दिया गया है या नहीं। आखिर वे कौन से कारण हैं जो किसी समाज में महिलाओं को विकास के समान अवसर नहीं देते। अन्य प्राणी की तुलना में मनुष्य एक बेहतर नस्ल है या खुद को जानवरों से बेहतर मानता है। हालांकि मनुष्यों के बीच भी भेदभाव अक्सर देखा गया है। महिलाओं के साथ समाज में पुरुषों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया गया और यह लैंगिक असमानता सदियों से चली आ रही है। किंतु हालांकि कुछ वर्षों से सभी मनुष्यों को उनके लिंग के बावजूद समान व्यवहार करने पर बहुत जोर दिया गया। हमने लैंगिक समानता के विषय में अपनी धारणा को बहुत ही संकीर्ण रखा है। हमारे आसपास के परिवेश में हमने पुरुष और महिला के लिए कुछ विशेष अंतर को निर्धारित कर रखा है। ये अंतर विकास के शुरुआती दौर से स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जैसे लड़के व लड़की के व्यवहार पर कपड़े, जैसे लड़की के लिए फ्रॉक, लड़के के लिए पैंट शर्ट, खेल जैसे लड़कियों के लिए गुड़िया, किचन संबंधित खेल और लड़कों के लिए आउटडोर गेम। अगर हम गौर करें तो प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में यह अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे लड़कियां आमतौर पर विनम्र मानी जाती हैं और लड़के कठोर, पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन बातों का प्रभाव बाद में उनके जीवन पर पड़ता है। आज भी हमारे समाज में तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कों को उचित माना जाता था और लड़कियों के लिए शिक्षण व नर्स जैसे कार्य, किंतु बदलते परिवेश में लैंगिक समानता ने इस गहरी खाई को कुछ हद तक कम कर दिया है। फिर भी समाज आज भी इसमें व्यापक बदलाव की मांग करता है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जेंडर क्या है? जीव विज्ञान में सेक्स, लिंग, जेंडर से तात्पर्य उन पहचान या लक्षणों से है जिसके द्वारा जीव जगत को आकार, बनावट, क्षमता के अनुरूप समाज नर और मादा में पृथक करता है। बच्चे के जन्म के साथ लड़के और लड़कियों को उसके अलग अलग रूप में ढालने के लिए अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है। हमारे समाज के द्वारा लिंग भेद के आधार पर भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। लिंग भेद पर आधारित भूमिका के विभाजन को जेंडरीकरण कहा जाता है। सामाजिक संदर्भ में समानता का अर्थ किसी समाज में कानून के समक्ष हर अवसर पर समानता से जुड़ी बात है। हमारे देश में भी लिंग आधारित भेदभाव बहुत व्यापक स्तर पर व्याप्त है। जन्म से लेकर मौत तक, शिक्षा से रोजगार तक यह भेदभाव साफ स्पष्ट आते हैं। इस भेदभाव को कायम रखने पर राजनैतिक पहलू बड़ी भूमिका निभाते हैं। रोजगार के क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव, क्या श्रम का विभाजन भी लिंग आधारित है? महिला पुरुष के व्यवहार व जीवन के फैसले विभिन्न आधारों पर प्रभावित होते हैं। समाज द्वारा लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को भी परिभाषित करने की कोशिश की गई है। जिम्मेदारियों के बंटवारे में पुरुष व महिला का निर्धारण समाज के द्वारा किया गया, जैसे बच्चों के जन्म के बाद पालन पोषण में महिलाओं की भागीदारी होगी, इनके साथ घर के काम भी।
किंतु एक अलग नजर से देखा जाए तो माता के साथ पिता की भी इसमें मुख्य भूमिका होनी चाहिए। इसके उलट पुरुष घर के बाहर का काम करेंगे, वे घर के कामों के लिए नहीं बने हैं। किंतु अब स्थिति बदलने लगी है और यह पारंपरिक सोच बदलने लगी है। अगर देखा जाए तो यह समाज के हर वर्ग में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में भी महिला नायिका को पुरुष नायक की अपेक्षा कम पारिश्रमिक मिलती है, और इसके ठीक विरुद्ध समाज के निचले स्तर में श्रम वेतन में महिला श्रमिक को पुरुष की तुलना में कम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। आज हम विश्व स्तर पर सतत विकास में लैंगिक भेदभाव को दूर करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लैंगिक भेदभाव की जड़ें सामाजिक और राजनीतिक कारणों से मजबूती पकड़ रही हैं। लैंगिक समानता का उद्देश्य पुरुष और महिलाओं के बीच सभी सीमाओं और मतभेद को दूर कर समान अधिकार व समान अवसर को सुनिश्चित करना है।